जीता हूँ बस जनता की सेवा के लिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैं नेता नहीं जनता का सेवक हूँ, जनता का मर्म ही मेरा मर्म है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो उनकी पार्टी से भी ऊपर होता है। उनकी पहचान किसी पार्टी के नाम की मोहताज नहीं होती है। ऐसा ही एक नाम है नितिन गडकरी, जो खुद को नेता कम और एक उद्योगपति कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने कॉमर्स में पीजी की है। इसके अलावा उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। वे भारत के एक उद्योगपति भी हैं। वह एक बायोडीजल पंप, एक चीनी मिल, 1,20,000 लीटर क्षमता वाले इथेनॉल ब्लेंडिंग संयंत्र, 26 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र और कोजनरेशन ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हैं। गडकरी ने 1976 में नागपुर विश्वविद्यालय में भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में वह 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से वे सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से वे सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। 1990 में वे पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। 1995 से 1999 तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। मंत्री के रूप में वे अपने अच्छे कामों के कारण प्रशंसा में रहे और 20 वर्षों से विधान परिषद के अध्यक्ष थे। आखिरी बार 2008 में विधान परिषद के लिए चुने गए। वे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई और वे एक राजनेता के साथ साथ एक कृषक और उद्योगपति भी हैं। 2014 में नितिन गडकरी ने नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री, जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री बनाए गए। इससे पहले 2010 से 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।